अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी देख रहे हैं मेरा न्यू ब्लॉग, और मैं आज के ब्लॉग में पूरा अपना रूटीन शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। तो आप सभी ये देख रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है, मैं उठी शेरे के लिए 3 बजे। शेरे करने के बाद में फिर शेरे का टाइम ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर नमाज़ पढ़ के फारिग होने के बाद मैंने पारा पढ़ा। पारा पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि किचन मैंने देखी कि काफ़ी गंदी हो रही थी, क्योंकि जब भी मुझे अगर कुछ गंदा दिखता है तो मैं सोचती हूँ क्लीनिंग कर लूँ इसकी, तो इसलिए मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप सोचिए, मैंने 4 बजे अजान हो जाती है, तो 5:30 से मैंने यहाँ की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिए, और मैं किचन की क्लीनिंग करके 6 बजे फारिग हो चुकी थी। 6:30, 7 बजे गए थे मुझे बाहर की क्लीनिंग करने में, मगर किचन की क्लीनिंग करके मैं 6 बजे फारिग हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन का सारा सामान बाहर निकाल लूँ, क्योंकि किचन का जो प्लेटफॉर्म है उस पर कल जो ऑयल फैल गया था, सरसों का तेल मुझसे गलती से गिर गया था, तो प्लेटफॉर्म बहुत चिकना हो रहा था इसलिए, और मैंने साफ़ कर दिया था मगर इतना साफ़ नहीं हो रहा था, फिर भी चिकनाहट रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अच्छी तरीके से धो ही दूँ, तो इससे किचन की क्लीनिंग भी हो जाएगी और मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पहले मैं गैस को भी साफ़ कर रही हूँ, तो मैंने गैस ले लिया, गैस को मैं धो रही हूँ, तो इसको पहले मैं पूरा क्लीन कर लूँगी। और इंशाल्लाह आप सभी को मेरा ब्लॉग रूटीन मेरा पसंद आएगा। आप सभी को मेरे डेली रूटीन पसंद आते हैं, मुझे अच्छा लगता है आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी मेरे ब्लॉग को देखिए और डेली देखिए, और ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सभी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले मेरे ब्लॉग देख पाएँ एंड इन्जॉय कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपनी गैस को धो दिया है, बिल्कुल चमाचम चमक चुकी है मेरी गैस। तो ये मेरी छोटी सी प्यारी सी किचन है, जिसको मैं अच्छे से अपनी किचन की केयर करती हूँ और उसको सफ़ा रखती हूँ। तो इस टाइम क्वारंटाइन में, तो इस टाइम तो हमें सफाई पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म तो अच्छी तरीके से साफ हो चुका है मेरा, क्लीन हो चुका है, बर्तन भी मैंने मांज लिए थे, सबसे पहले मैंने बर्तन धोए थे। और अब मैं नीचे का फर्श जो है अच्छी तरीके से कोना कोना जो लोहे का ब्रूस होता है उससे घिस के साफ कर रही हूँ, जिससे जो मेरी टाइल्स हैं बिल्कुल चमकने लगती हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं वैसे यहाँ पर सर्फ भी डाल सकती थी, मगर मुझे सर्फ नहीं मिली थी तो मैंने साबुन नहीं ले लिया है, और उसी से मैं इसको जो फर्श को अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ, घिस रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से फर्श को साफ कर लेती हूँ और फिर बाकी का जो देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं 8 बजे तक नहा धोकर फ्री होकर और बिल्कुल सारे काम से फिर मैं 9 बजे जो है सो गई थी क्योंकि सुबह मैंने इतना काम कर लिया तो मैं थक गई थी, तो फिर मैं सो गई। फिर उसके बाद मैं उठी बाद में, क्योंकि आप सभी देख सकते हो तो मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है एकदम। और फिर आप सभी से मिलते हैं हम अफ्तारी रूटीन में। ओके एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं जस्ट अभी असर की नमाज़ पढ़ के फारिग हुई हूँ और मैंने इफ्तारी की तैयारी कर ली है। पास्ता मैंने मैंने पास्ता बना लिया है, पास्ता बनकर तैयार है। और मैंने एक और चीज़ बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने उसकी तैयारी करके रखी है। तो यहाँ आप सभी देख रहे हैं प्याज टमाटर हरी मिर्च करके तैयार है, और यहाँ फ्रेश हरा धनिया मैंने छांट के रख लिया है और इसको धो लिया है, तो बस इसको काटना बाकी रह गया है। और एक और चीज़ है जो मैंने तैयार करके रखी है, इसमें इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए, इसमें ये आप सभी देख सकते हैं, इसमें है मैंने एक और आधी कटोरी सूजी ली है और 1-2 कटोरी दही लिया है। तो मैंने सूजी से ज़्यादा ही दही लिया है, तो इसमें मैंने वो मिक्स करके रखा है। और इसमें मैंने थोड़ा नमक और डाल के और इसको मिक्स करके इसको लगभग 1 घंटा तो हो चुका है और ये अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो बस मैं इसमें पूरे में नहीं मिलाऊंगी, पहले दूसरे कटोरे में मैं ले लूँगी जितनी चीज़ें हैं उस हिसाब से मैं बनाऊँगी, और अगर पूरा के नहीं बाद में बना लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। वैसे आप सभी ने मेरे वीडियो में पहले इसको देखा है कि मैंने बनाए हैं, इसको बोलते हैं सूजी के चीले, अप्पे। अगर अप्पे स्टैंड हो तो अगर हम इसको अप्पे स्टैंड में बनाए तो अप्पे बनकर तैयार हो जाएंगे, बेहद ही लाजवाब बनते हैं। मगर मेरे पास अप्पे स्टैंड नहीं है, तो मगर मैं चीले बनाती हूँ तो माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनते हैं, क्योंकि मैंने एक बार बना चुकी हूँ रमज़ान में और मैं अब दोबारा बना रही हूँ।
ओके, तो मैं आप सभी के साथ में पिछली बार सिर्फ मैंने बनाते हुए दिखाया था डायरेक्ट, और इस बार मैं आप सभी को रेसिपी भी बता रही हूँ। अगर आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने तैयार किया है सूजी और दही का, तो वो मेरा अच्छे तरीके से फूल चुका है और मैंने उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मुझे ये ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने सोचा अगर मैं इतने सारे का नहीं बना पाई तो फिर ये अगर हम इसमें ये सब चीज मिक्स करके रख लेते हैं ना, तो प्याज टमाटर वगैरह का तो इनका टेस्ट अलग हो जाता है, तो ताज़ा ताज़ा डालो ना तो वो सही रहता है। इसलिए मैंने आधा ले लिया है, आधा मैंने रख दिया है। तो आधे में जो मैंने सारी चीज़ें काटी हैं ना वो मैं डाल दे रही हूँ, जैसे प्याज टमाटर हरी मिर्च और धनिया वो डाल दिया है, और मैं इसमें ये एक चाट मसाला है वो डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है, और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें मैंने थोड़ा धनिया सॉरी जीरा। ओके, और यहाँ मैंने ये वैसे तो दही डाला है, खट्टा टेस्ट है, मगर थोड़ा और अच्छा टेस्ट आने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला है। अमचूर पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सारी चीज़ डालने के बाद में, सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और अभी आप सभी देख सकते हैं कि काफ़ी ये गाढ़ा है, तो उसको थोड़ा मैंने सही उसको टेक्सचर करने के लिए उसको इसमें पानी मिक्स कर रही हूँ। तो अच्छे तरीके से मैंने उसके सही सेट कर लिया है, और अब बस मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने तवा ले लिया है, तवे पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं, ब्रश से मैंने लगाया है। उसमें फिर ये राई डाली है, छोटी वाली राई होती है, वो डालने के बाद इसमें ये मैंने जो हमने मिश्रण तैयार किया है, पेस्ट तैयार किया है, वो लेके एक चम्मच भर के इसमें डालना है, बस थोड़ा सा हल्के हाथ से फैलाना है, और बस हम इसको ढक के रख देंगे। और अच्छे तरीके से इस तरह आप देख सकते हैं मैं दिखा रही हूँ, ऐसा सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा अगर आप ऊपर से ग्रीस करना चाहो, ऑयल लगाना चाहो तो लगाओ, तो इसको हम फिर पलट देंगे। तो इसी तरह मैं ये दूसरा बना रही हूँ, और हम इसी तरह काफ़ी सारे बना सकते हैं, और इनका टेस्ट माशाल्लाह इतना अच्छा था, बहुत ही लाजवाब। और ये मैं आज ऐसे अपने मोहल्ले में बांटने के लिए भी बना रही हूँ, तो मैंने इसलिए ज़्यादा पेस्ट तैयार किया है, तो ये मैं मोहल्ले में भी बांटूँगी। और पास्ता बनाया है वो, और पापड़ तलूँगी, तो ये ऐसे प्लेट लगा लूँगी मैं ये सारी चीज़ें। तो आप सभी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और माशाल्लाह इसी तरह अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा, और आगे देखें और ब्लॉग को एंजॉय करें। अगर पसंद आया है तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। खाने पर सब कुछ लगा दिया है, तो यहाँ पे हमारा पास्ता रखा है, ये पापड़ मैंने फ्राई किए हैं, और तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने ये हरी चटनी बनाई है, और इससे हम इन सूजी के चीले को एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आया हो, तो ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। और एंड ब्लॉग को जाते जाते लाइक ज़रूर करते जाना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय फ्रेंड्स।